एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सर्दियों का टाइम है और हर किसी को अभी प्लेट में सुबह ब्रेकफास्ट में चाहिए मेथी का पराठा, गोभी का पराठा, मूली का पराठा। बट मैं आज लेकर आई हूँ मेथी का पराठा एक हेल्दी ट्विस्ट के साथ। तो जान लेते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मैं आज डालूंगी। ये है मेथी जो कि इसे वॉश करके धोकर मैंने छोटा छोटा काट लिया है। साथ में है इसमें पिंक सॉल्ट, आप चाहे तो नॉर्मल सॉल्ट भी ले सकते हैं। कटी हुई मिर्ची ये दो है, और ये है भुना हुआ जीरा का पाउडर जो कि मैंने घर में ही जीरा को रोस्ट कर उसको पाउडर फॉर्म में कर लिया है। अब हम इसमें हेल्दी ट्विस्ट मैंने बताया, तो इसमें मैं क्या हेल्दी ट्विस्ट ला रही हूँ। तो ये बनने वाली है मल्टीग्रेन मेथी की रोटी। तो इसमें जो मैं आटा यूज़ करूँगी वो है ये आधा कटोरी जितना रागी का आटा, आधा कटोरी जितना जौ का आटा, और ये है आधा कटोरी प्लेन व्हीट फ्लार। तो अब आगे बढ़ते हैं, और आपने देख ही लिया है कितने कम से कम इंग्रेडिएंट्स में हम ये टेस्टी मेथी का पराठा बनाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं ये कैसे बनता है। एक करके मैं सब आटा पहले इसमें डाल लूँगी। मैंने सब आटा डाल दिया है। अब इसमें मैं डालूँगी भुना हुआ जीरा, स्वाद अनुसार नमक, और ये हरी मिर्ची, और इसी के साथ मिक्स कर देंगे ये मेथी भी। हम इंस्टेंटली इसमें पानी नहीं डालेंगे, पहले हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि मेथी में थोड़ा पानी है। वॉश करते वक्त उसमें जो पानी रह गया है वो पानी इसमें ऑलरेडी थोड़ा सा है, इसीलिए पहले मैं इसी में से इसको सूखे हाथों से ये कर लूँगी, उसके बाद मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूँगी। ये मिक्स हो गया, मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको पहले ये करूँगी। एकदम से हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। आटा मैंने लगा दिया है, इस साइज की मैंने लोइयां बना ली हैं। अब हम इसको थोड़ा आटा के साथ बेलेंगे। ध्यान से बेलेंगे क्योंकि इसमें आटा की मात्रा बहुत कम है कंपेयर टू अदर फ्लोर्स, तो इसमें फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। रोटी ऐसी भी हो सकती है कि गोल भी ना बने, कोई दिक्कत नहीं है। रोटी अगर गोल नहीं भी बनती है फिर भी इसके टेस्ट में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ये उतना ही टेस्टी लगेगा, और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। आप इसको ब्रेकफास्ट में मज़े से खा सकते हैं, दो से तीन रोटी, गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व कीजिए या अचार के साथ सर्व कीजिए। हम इसे ज़्यादा पतली करने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि रागी है, जौ का आटा है, ये बहुत जल्दी इसको बेलने में थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री आटा है दोनों, और हमने व्हीट फ्लावर उसके कंपैरिजन में बहुत कम दिया है, दोनों आटे के कंपैरिजन में। इतनी थिकनेस है मेरी इस रोटी की, इतनी इसकी थिकनेस है। अब हम इसे धीरे से उठाएंगे, तवा मैंने ऑलरेडी गर्म करने पे लगा दिया है, एक्स्ट्रा आटा निकाल देंगे करके हम इसको तवे पे डाल देंगे। एक तरफ से ये हल्की सिक गई है, अब मैं इसे उल्टा कर दूंगी। अब हम इसमें घी लगाएंगे थोड़ा, पराठे में वाइट ऑयल से ज़्यादा अच्छा घी प्रेफर करती हूँ मैं, क्योंकि ये गुड फैट है और ये खाने के टेस्ट को भी बहुत अच्छा बनाता है। अब हम दूसरे साइड को पलट देंगे और इस साइड में थोड़ा सा घी लगा देंगे। पराठे मेरे सुंदर सिक गए हैं, अब मैं इसे उतार लूंगी प्लेट पे। इसे सर्व करेंगे गर्मा गर्म, पराठे को सर्व करेंगे अचार के साथ या गर्मा गर्म चाय के साथ, दोनों के साथ ये बहुत बेहतर लगता है। इसका टेस्ट, ये पराठा ऐसा है कि हर किसी को कॉम्प्लीमेंट कर जाता है। गर्मा गर्म मेथी का पराठा विद आम का अचार रेडी है, ब्रेकफास्ट में इसको लीजिए, इंजॉय करिए। तब तक
मैं फिर मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो पे ऐसी एक हेल्दी रेसिपी लेकर। गुड बाय।